टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल, एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये पत्र आपके सामने जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये संच मान्यता और शिक्षक भर्ती दोनों के लिए ही काफ़ी अहम है हमारे मुताबिक, बिकॉज़ यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर किस तरीके से कार्रवाई करनी और संच मान्यता का आगे का शेड्यूल किस तरीके से होगा, वो तमाम चीज़ों की डिटेल में इन्फॉर्मेशन इस पत्र में दी गई है। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है। अगर आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हो या संच मान्यता का जो भी इशू चल रहा है, ये दोनों के लिए काफ़ी अहम वीडियो होने वाली है। ये जो पत्र भेजा गया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रति जो है माननीय प्रधान सचिव शालेय शिक्षण और क्रीडा विभाग, और इसका विषय यहाँ पर देखो सुमोटो जनहित याचिका क्रमांक 02/2022। या याचिके मध्य माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्देशानुसार कार्यवाही करने बाबत, तो न्यायालय का जो निर्देश है उसके हिसाब से अंतरिम कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और संदर्भ क्रमांक को आपने यहाँ से देख लेना है, जो भी संदर्भ नंबर वगैरह यहाँ पर दिए गए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं जो काफ़ी अहम है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, वीडियो को ध्यान से देखिए। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद, ये थे सुमोटो याचिका क्रमांक 02/2022 रजिस्टर ज्युडिशियल बेंच औरंगाबाद विरुद्ध महाराष्ट्र शासन दाखल आहे। सदर याचिकेमध्ये 17 एप्रिल 2023 रोजी माननीय न्यायालय ने खालील प्रमाणे निर्देश दिलेले आहे। तो न्यायालय का देखिए इस तरीके से निर्देश है, एज अ सच वी आर लिसनिंग दिस पीआईएल ऑन 28 एप्रिल 4 PM टू एनेबल टू नन AGP टू मेक अ स्टेटमेंट कंसिडरिंग दैट द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल्स विल कमेंस फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ जून 2023। तो इस तरीके से ये जजमेंट है औरंगाबाद खंडपीठ का, इस तरीके से मतलब एक निर्देश दिया है। और बताया जा रहा है कि माननीय न्यायालय के उपयुक्त निर्देश पाहता दिनांक 24/3/2023 रोजी शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी 2022 रोजीच्या निकालानंतरची शिक्षक पद भरतीची कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक आहे, याबाबतची सद्यस्थिती खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे। तो देखिए टेट का जो है एग्ज़ाम भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उसके आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो कार्यवाही, वो अभी तक जैसे थे वैसी ही हालत में नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके से कार्रवाई करने की बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो सबसे पहले एक नंबर आपने यहाँ पर देख लेना है कि संदर्भीय क्रमांक 2/4 शासन निर्णय दिनांक 10/11/2022 अन्वय सन 2023 झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीनुसार येणाऱ्या पदभरतीच्या जाहिरातासाठी उमेदवाराचे वय COVID-19 पार्श्वभूमीवर 2 वर्षासाठी शिथिल क्षम करण्यात आलेले आहे। तो देखेंगे आप कि कोविड के चलते बच्चों की एज जो है वो 2 साल बढ़ा दी गई है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जो भी एज का क्राइटेरिया होता है शिक्षक भर्ती को लेकर, वो कोविड के वजह से 2 साल बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक अभियोग्यता वो बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 रोजीच्या निकालानंतर होणाऱ्या पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार 3 महिन्यातून एकदा व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर रिक्त पदांसाठी जाहिराती घेण्यात येतील। या कालावधीमध्ये प्राप्त जाहिरातीमधून पात्र उमेदवारांची व्यवस्थापननिहाय यादी नियुक्तीच्या शिफारशीसाठी यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल। तो बताया जा रहा है कि हर 3 महीने के बाद जो है जाहिरात दी जाएंगी पोर्टल के जरिए से। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर आपने देखना है, COVID-19 पार्श्वभूमीवर सन 2019-20 पासून, तो देखिए 2019-20 से शाळांच्या संच मान्यता जैसे थे ठेवण्यात आलेले होत्या। तो देखिए स्कूलों की संच मान्यता को मैं बताया आपको कि 2019-20 से स्कूलों की संच मान्यता अभी तक बाकी है। आता COVID-19 नंतर झालेले विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर, परिस्थितीतील बदल इत्यादी बाबी विचारात घेऊन, तसेच जनहित याचिका क्रमांक 102/2021 दिनांक 1/8/2022 रोजीच्या आदेशानुसार समिति गठित करण्यात आलेली होती। सदर समितीच्या शिफारशीच्या आधारे उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय दिनांक 6/2/2023 अन्वये प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यासाठी आधार वैध संख्या विचारात घेऊन सन 2022-23 शिक्षक निश्चितीसाठी संच मान्यता करण्यात येत आहे। तो आधार बेस संच मान्यता हो रही है। आपको पता है कि जितने स्टूडेंट्स आधार होंगे, आधार वैलिड होंगे, उन्हीं की ही संच मान्यता ग्राह्य धरी जाएंगी। सद्य स्थितीत आधार वैध विद्यार्थी संख्येवर आधारित अंतरिम संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहे। तो देखिए 31 मार्च को जो है अंतरिम संच मान्यता ऑलरेडी जाहिर हो चुकी है आधार वैलिड स्टूडेंट्स के बेस पर। और आगे क्या है, आधार वैधतेची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही अशी विद्यार्थी वैधतेची कार्यवाही शाळा स्तरावर सुरू आहे। ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर अंतरिम करण्यात आलेल्या संच मान्यता दिनांक 15
5/2023 पर्यंत अंतिम करण्याचे नियोजन आहे। तो देखिए जो अंतरिम संच मान्यता 31 मार्च 2023 को हुई थी और उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स के आधार इनवैलिड थे उन बच्चों को आधार वैलिड करने का मौका जो है स्कूल स्तर पर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि नियोजन ऐसा है कि 15 मई 2023 तक जो है ये संच मान्यता अंतिम हो जाएंगी। या अंतिम झालेल्या संच मान्यतेतील मंजूर पदानुसार पद भरतीची कारवाई करणे आवश्यक आहे। तो देखिए ये अंतिम संच मान्यता जब हो जाएंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है और किस किन किन जगह पर है। तो उसके बाद पद भर्ती करना जो है वो आवश्यक है इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। ज्या व्यवस्थापनाकडून संच मान्यता 2022-23 ची कार्यवाही अंतिम होईल त्या व्यवस्थापनांनी त्यांच्याकडील शिक्षक पदाची बिंदू नामावली प्रमाणित करून पवित्र पोर्टल रिक्त पदाचे जाहिरात देण्याबाबतचे निर्देश देणे आवश्यक आहे। याकरिताचे सभ्यव्य नियोजन पुढील प्रमाणे करण्यात येत आहे। तो देखिए इसका कुछ नियोजन किया गया है कि संच मान्यता के बाद किस तरीके से क्या करना है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे एक नंबर में बताया जा रहा है संच मान्यता अंतिम करून संच मान्यतेचे शाळानिहाय वितरण करण्यासाठी लागणारा एकूण सभ्यव्य कालावधी दिनांक 20/5/2023 पर्यंत। तो 20/5/2023 तक का जो है संच मान्यता के बाद वितरण करने की बात यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद सेकंड चीज़ है संच मान्यता अंतिम झाल्यानंतर व्यवस्थापनाकडून बिंदू नामावली इत्यादि प्रमाणित करण्यासाठी लागणारा सभ्यव्य कालावधी दिनांक 30/6/2023 पर्यंत। और संच मान्यता मिल जाने के बाद जो बिंदू नामावली का सभ्यव्य कालावधी यहाँ पर बताया जा रहा है वो 30 जून तक बताया जा रहा है। थर्ड चीज़ यहाँ पर है शिक्षकाच्या रिक्त पदाची पोर्टलवर नोंद करणे पहिल्या तिमाहीकरिता सुमारे 15/7/2023 पर्यंत। और शिक्षक भर्ती की जो नोंद करनी शिक्षका की रिक्त पद की जो नोंद करनी है जो वैकेंसी आपके पास वैकेंट है उसकी जो नोंद करनी है वो 15 जुलाई तक करनी है। और शिक्षण मंत्री ने कल एक वीडियो में कहा था कि हम 15 जून को जो है शिक्षक आपको स्कूलों में नजर आएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 जुलाई तक आपको सिर्फ जो है उसकी नोंद करनी है कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। डोर देखेंगे आप पहिल्या तिमाहीकरिता प्राप्त जाहिरातीनुसार मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह पद भरतीसाठी पात्र उमेदवाराकडून प्राधान्यक्रम घेणे नियुक्तीसाठी शिफारस करणे इत्यादी बाबी पोर्टलामार्फत करणे दिनांक 20/8/2023 पर्यंत दरम्यान च्या कालात दुसऱ्या तिमाहीकरिता शिक्षकाची रिक्त पदाची नोंद करणे। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो कैंडिडेट को 20 अगस्त 2023 तक करनी है। उसके पहले जो भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है। तत्पि मागिल शिक्षक पद भरतीतील जाहिरातीतील 1270 पैकी मुलाखतीशिवाय पद भरतीमध्ये 5970 उमेदवारांची शिफारस झालेली आहे व मुलाखतीसह पद भरतीमध्ये 1933 रिक्त पदांसाठी शिफारस झालेली असून एकूण 7903 रिक्त पद भरतीची कारवाई झालेली आहे। सद्यस्थितीत 196 व्यवस्थापनांना SEBC आरक्षणामुळे निवड प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या व्यवस्थापनाची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून व्यवस्थापनांना मुलाखतीसाठी मे 2023 उमेदवार उपलब्ध होणार आहेत त्यातून 769 रिक्त पदे भरली जातील। तसेच याचिका क्रमांक 11/081/2019 समांतर आरक्षणातील उमेदवारांना संधी देण्यासाठी शासन पत्र दिनांक 19/4/2023 अन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अपात्र गैरहजर रुजू न झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांसाठी उमेदवारांना शिफारस करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे। त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अंदाजे 750 रिक्त पदे भरली जाणार आहे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल में माहिती जो है वो दी गई है। आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके एकदम विस्तार से पढ़ सकते हैं। वर नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षक पद भरतीचे मागील पद भरतीतील शिल्लक असलेले साधारणपणे 1500 रिक्त जागा पिछली भर्ती से भी जो है 1500 जागा शिल्लक है। तसेच शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 होणाऱ्या पद भरतीचे नियोजनाची वस्तुस्थिती मान्य न्यायालयाच्या अवलोकनी आणण्यासाठी वस्तुस्थिती सादर करण्यात येत आहे। इस तरीके से ये शरद गोस्वामी जो शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालक पुणे है इनका ये पत्र है। और काफ़ी अहम बातें इस पत्र में उन्होंने की गई कि शिक्षक भर्ती को लेकर आगे का रोड मैप ओरिजिनल रोड मैप किस तरीके से रहेगा और संच मान्यता 15 मई तक आने के चांसेस है इस लेटर के हिसाब से। और संच मान्यता आने के बाद ही अनुदान और तमाम चीज़ों के मामले जो है वो हल होंगे और शिक्षकों को शालर तो ID मिलेंगी। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ सवाल इससे जुड़े तो आप कमेंट्स कर हमें पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।